Why are there not more people talking about why Africa, despite being rich in natural resources, still struggles with poverty? This question puzzles many. Why is it so? Let's try to understand this. Africa mein sab kuch hai. Sona, heere, tel, aur bahut sare prakritik sansadhan. Iske alawa, yahan ki sanskriti, kala, aur sangeet bhi bahut samriddh hain. Phir bhi, Africa ke kai desh garibi aur pichhadepan se jooj rahe hain. Ye virodhabhas kyun hai? Iske piche kai karan hain. जिनमें से कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ राजनीतिक और कुछ आर्थिक। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें अफ्रीका की कॉलोनियल हिस्ट्री को देखना होगा। जब यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को उपनिवेश बनाया तो उन्होंने यहाँ की सीमाओं को अपने हिसाब से खींचा, बिना यहाँ के लोगों की परवाह किए। पहली बात तो ये कि कॉलोनियल हिस्ट्री ने अफ्रीका में बेमतलब की सीमाएं बना दी। इन सीमाओं ने अलग अलग ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी जारी है और विकास में बड़ी बाधा बनते हैं। अलग अलग ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने अफ्रीका के कई हिस्सों में स्थिरता को कमजोर कर दिया है। जब एक देश में स्थिरता नहीं होती तो विकास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, करप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। अफ्रीका के कई देशों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। जब सरकारें और अधिकारी भ्रष्ट होते हैं तो विकास के लिए आने वाला पैसा सही जगह पर नहीं पहुंचता। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है वो अक्सर गलत जेबों में चला जाता है। इससे न केवल विकास रुकता है बल्कि लोगों का सरकार पर से विश्वास भी उठ जाता है। जब लोग अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करते तो वे विकास में भागीदारी नहीं करते। तीसरी बात, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अफ्रीका के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचे की कमी है। खराब रोड्स और कम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। जब बुनियादी ढांचा कमजोर होता है तो निवेशक भी वहां निवेश करने से कतराते हैं। इससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और गरीबी बढ़ती है। और आखिर में फॉरेन डेट। अफ्रीका के कई देश भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। हाई इंटरेस्ट लोन्स की वजह से कई देश ग्रोथ की जगह रिपेमेंट्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। जब एक देश का अधिकांश पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता है तो विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। तो देखो, ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिलाजुला खेल है। अफ्रीका की गरीबी के पीछे कई कारण हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें अफ्रीका की मदद करनी है तो हमें इन समस्याओं को समझकर ही समाधान निकालना होगा। और जानने के लिए उत्सुक हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ। हम आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। अफ्रीका की गरीबी को समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अफ्रीका में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोग अपनी मेहनत और लगन से गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाना कुछ ऐसे कदम हैं जो अफ्रीका की गरीबी को कम करने में मदद कर सकते हैं। अफ्रीका के कई युवा उद्यमी नए नए विचारों के साथ आगे आ रहे हैं और अपने समुदायों में बदलाव ला रहे हैं। ये लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में कई महिलाएं अपने परिवारों और समुदायों को सशक्त बना रही हैं। वे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। कृषि भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अफ्रीका के किसान सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, जिससे न केवल उनकी पैदावार बढ़ रही है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो रहा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी अफ्रीका में तेजी से बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस की मदद से अफ्रीका के कई हिस्सों में बिजली की समस्या को हल किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा भी एक बड़ा बदलाव ला रही है। अफ्रीका के युवा कोडिंग और टेक्नोलॉजी में निपुण हो रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। अफ्रीका की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते हैं और इन्हें आगे बढ़ाते हैं। अफ्रीका का वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म भी एक बड़ा आकर्षण है। यहाँ के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफ्रीका के लोग एकजुट होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपने समुदायों को सशक्त बना रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।